भी एक चीज कही जाती है कि यहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन यह भी सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही है, क्योंकि आप जितना पानी 6 महीने में इस्तेमाल करते हैं शायद उसका पैसा आप नहीं देते, तो 7वें महीने में सारा बिल जोड़ दिया जाता है। कितने का बिल आया आपका? सर मेरा बिल बढ़ गया, अब जो है 18,000 के आसपास हो गया है। और जिस घर में पिछले कई सालों से कोई रहता ही नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है, जहाँ पे वाटर सप्लाई ही नहीं होती है, वाटर का कोई यूज ही नहीं है, उसका भी 36,000 का बिल भेज दिया। वहाँ पे भी 36,000 रुपए का बिल है। 2 लाख रुपए बकाया है। हाँ जी, 2 लाख का बकाया है, इसलिए मुझे अपना मकान बेचने की नौबत आ गई है। सर प्रकाश नाम है सर मेरा। सर हमारा बिल 53,000 का रखा है। जी कितने का बिल आया आपका? 47,000 की आया है। बताओ, हम 3 लोग हैं, ये की फ्लोर है हमारा, कहाँ से देंगे हम, खाएंगे क्या, बताओ आप। उधर गए, हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा है, बोल रहा है हम नहीं निकाल के देंगे पुराना बिल। नमस्कार, मैं प्रभात इंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। दुनिया में 2 चीजें सिर्फ अदृश्य होती हैं, जैसे भूतों का संसार और वेलफेयर सरकार। वेलफेयर सरकार जनता की सेवा करने वाली सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ कहानियों में, किताबों में पाई जाती है, असलियत में वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के लिए एक चीज़ कही जाती है कि यहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही है, क्योंकि आप जितना पानी 6 महीने में इस्तेमाल करते हैं शायद उसका पैसा आप नहीं देते, तो 7वें महीने में सारा बिल जोड़ दिया जाता है। ये लोग इंडिया के सेलिब्रिटीज़ जो पानी पीते हैं उससे भी महंगा पानी पीते हैं, क्योंकि 1 महीने में ये लोग 1.5-1.5 लाख का, 50-50 हज़ार का, 17-17 हज़ार का पानी पी जाते हैं। पता नहीं इतनी प्यास कहाँ से लाते हैं, और शायद इनके घर में A1 क्वालिटी का दिल्ली सरकार का पानी भेजा जाता है, जिसकी कीमत इनसे वसूली जाती है। मैं इस वक्त दीक्षांजलि पार्क में हूँ, गली नंबर 4 का ये इलाका है। सरकार किस तरीके से मौन होती है, इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पे खड़े होकर आपको देखने को मिल सकता है, कि पीछे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात की, तो उनका कहना है कि इस बारे में उनको कुछ पता नहीं है। सही बात है, क्षेत्र के बारे में जान के जनप्रतिनिधि आखिर करेंगे भी क्या, वोट तो 5 सालों बाद मिलने हैं। और अब राम मनोहर लोहिया रहे नहीं जो कह सके कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। आज तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही रह गया है कि 5 साल में चाहे छल से, चाहे कपट से, चाहे लोभ से, चाहे लालच से वोट ले लो, सरकार बनाओ, सरकार से जो पैसा कमाओ उसको बाकी राज्यों में लगाओ, ताकि बाकी राज्यों में भी सरकार बन सके और हम नेशनल पार्टी बन सके। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी गाथा खुद बताएंगे। हाँ जी भाई साहब, कितने का बिल आया आपका? सर मेरा बिल बढ़ गया, अब जो है 18,000 के आसपास हो गया है, जो 15,776 रुपये आया था। एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहाँ पे हमारी गली में स्पेशली 4-5 साल से कोई मीटर रीडर आया नहीं, ये लोग एवरेज बिल भेजते रहे, 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट जैसे भी महीने का भेजते रहे। तो अब जब रीडर आया तो पिछली जो बैकलॉग की यूनिट्स वगैरह थी वही घट्टी एकदम से आ गई, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही हमारे सर पे आ गई अब, ठीक है ना। 20 यूनिट फ्री थी तो लोगों को यही लगा कि भाई फ्री है, 0 बिल आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें एवरेज बिल मीटर में जमा होती रही, वो अब आई तो सबके बिल आए इस तरह से ही। कुछ के मीटर भी बनते उनके तब भी आ गए, स्टॉप मीटर था, स्टॉप मीटर का भी इन लोगों ने बिल बना दिया, उसकी कोई एवरेज नहीं है कि घर में 2 आदमी है, 3 आदमी है, कि कितनी पानी की खपत इनकी होती होगी, कोई समीकरण नहीं है इस चीज़ का। और इधर हमने कंप्लेंट भी दी, जडावरों के पास भी गए, तो वो भी यही बोली कि आपको जो है बिल भरना पड़ेगा, हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि पहले भी बिल 0 आता था, एक बिल भेज दिया गया और उसके बाद भी बिल 0 आने लगा। ये 6 महीने पुराना मेरा बिल है, 6 महीने तक अभी तक मेरी 15 यूनिट 2 महीने में टच हुई हैं, 2 महीने में 15 यूनिट, ठीक है ना, जबकि 20 यूनिट फ्री है, फिर भी हम लोगों का बिल इतना आ रहा है। अच्छा, कुंवर साहब से दिल्ली सरकार को कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, इसलिए जिस घर में 2 लोग रहते हैं उसका तो 1,58,000 का बिल भेज दिया, और जिस घर में पिछले कई सालों से कोई रहता ही नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है, जहाँ पे वाटर सप्लाई ही नहीं होती है, वाटर का कोई यूज ही नहीं है, उसका भी 36,000 का बिल भेज दिया। वहाँ पे भी 36,000 रुपये का बिल है।
जहाँ पे कई सालों से कोई रहता ही नहीं है, और इसकी सूचना हमने जल बोर्ड को दे रखी है, और फिर भी उसके बाद उन्होंने बिल बना के भेजना, 36,000 रुपये का बिल बना रखा है। टोटल 2,00,000 रुपये बकाया है। हाँ जी, 2,00,000 का बकाया है, इसलिए मुझे अपना मकान बेचने की नौबत आ गई है। ये भाई साहब है, इनका बिल कितने का है? 3 लोग रहते हैं इनके परिवार में, क्या नाम है आपका? सर प्रकाश नाम है सर मेरा। सर हमारा बिल 53,000 का रखा है। एवरेज बिलिंग हमारी कभी आती नहीं थी, 12 यूनिट से कम ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है, मगर इन्होंने बिल भेजा नहीं है, रीडिंग वाला कोई आता नहीं है, प्राइवेट लड़के बैठा रखे हैं, उनके सामने जाके बात करो कोई नहीं सुनने वाला, कह रहे हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा देखने का, वो कह रहे हैं कि हमने जो रीडिंग दी है उसी पे बिल भरो। अब इनका तो इन्होंने राघव चड्ढा का ले रखा है, जो कि पंजाब में जाके दिल्ली की राजनीति करते हैं जी। अब इनकी रीडिंग के हिसाब से 35 यूनिट से भी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, और वो बिलिंग इन्होंने भेज रखी है 53,000 रुपये की। अब कितने कैसे कमाएंगे, कैसे कमाएंगे और कैसे बिल देंगे इनका बिजली दिल्ली जल बोर्ड वालों का? क्या घर बेच के दे दें हम अपना बिल? आप ही बता दो अब। और किसी का बिल आया हुआ है कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ? हाँ, कितने लोग हैं? एक्चुअली में आज थोड़ा लोग इधर उधर थोड़े हैं, ये हम लोगों ने कंप्लेंट भी की थी विनय मिश्रा जी को, और इसमें पीछे सब लोगों के बिल वगैरह सब लिखे हुए हैं डिटेल में। मेरे पास जो ये संख्या है उसमें 11 लोग हैं। रविंदर कुमार नाम है इनका, बिलिंग अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। विमला देवी है, अशोक कुमार है, उधो बेंज हैं, संजना पाल है, सावित्री देवी है, सर्वेश कुमारी है, कमला देवी हैं, सात्विक हैं, और सुवेंद्र जगदीश सेठी हैं। ये सारे के सारे लोग गीतांजलि पार्क में ही रहते हैं। इन 11 लोगों का जो, अच्छा कुंवर सिंह भी हैं, जिनका 32,000 और 1,12,000 का पुराना बिल था, जो अब एक्सीड होके 36,000, और अभी जो मौजूदा बिल है उसके हिसाब से 1,56,800 रुपये तक पहुँच गया है। तो ये वो 12 रईस लोग हैं जो सागरपुर में रहते हैं, जिनके पानी के बिल शायद किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा आते हैं। आपका ही बिल आया हुआ है क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? रोहित। मेरा 12,000 का बिल आया है, और हमने न्यू मीटर लिया था, तो उसमें भी इन्होंने इंक्लूडिंग न्यू वाली रीडिंग लेके और इंक्लूड करके दिया बिल, बल्कि हमने तो नया मीटर लिया, उसका बिल हमारा 12,000 रुपये आया है। और हमारा कोई ज़्यादा, मतलब 3 लोग हैं घर में, ज़्यादा हमारा यूजिंग भी नहीं है पानी का, फिर हमारा बिल ज़्यादा आया इस चीज़ का। अरविंद केजरीवाल भाषणों में एक चीज़ बड़ी अच्छी कहते हैं कि जो निजीकरण है ना, इससे जनता को बड़ी परेशानी होगी, लेकिन बात यह है कि वो जिस राज्य की सरकार में बैठे हुए हैं उस राज्य में उन चीज़ों को लागू नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो वेलफेयर सरकार है वो सिर्फ कल्पना मात्र है। भाई साहब, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जब आप लोग जाते हैं तो वो लोग आपसे क्या कहते हैं? मैं दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में जाता हूँ तो मैंने उनसे कहा जी कि अभी तक तो कोई समस्या थी नहीं, अचानक कोरोना काल में ही हमारे मीटर के इतनी तेज़ क्यों चलने लग गए? तो वो कहते जी कि पहले तो ये एरिया, पहली बात तो आपका प्राइवेट हो गया, तो अब पहले जो सरकारी कर्मचारी थे वो तो सेटिंग करते थे आपसे। तो मैंने उनसे सवाल किया जी कि जब ये सेटिंग करते थे तो ये सैनी साहब आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये हमारे रीडर थे, आप इनसे पूछो इन्होंने कब मेरे सेटिंग करी है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो दिखाते थे मीटर को फूंक मार के कि जी फूंक से मीटर चलता है। अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी IITian है, उन्होंने फूंक की जगह कंप्यूटर से कैसे मीटर चलता है उन्होंने ईजाद कर लिया है, इसलिए वो घर बैठे बैठे ही हमारे मीटर चला रहे हैं। हमारे 7-8 यूनिट आता है और उसको 1,000 यूनिट बना रहे हैं, तो अब तो कंप्यूटर से चलने वाले मीटर बना दिए साहब उन्होंने। 1,000 यूनिट एक बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 10,00,000 लीटर पानी 1 महीने में 2 व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। शायद जो लोग सरकारी पदों पर बैठ जाते हैं उनका कॉमन सेंस जो है वो घुटने से भी नीचे चला जाता है, इसी वजह से वो इस तरह की चीज़ों को सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं डाल पाते और उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। एक बड़ा सवाल और है, जब आपने बिल भेजा और वो बिल डिस्प्यूट में चला गया तो उसके ऊपर पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है? या तो उस मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, अगर आपको पेमेंट लेनी है तो पेमेंट लें, और अगर आपको पेमेंट नहीं लेनी तो बार बार बिल बढ़ा के आप किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाता है जो दिल्ली के अंदर उन तमाम बिलों को ढूंढे जहां पे कुछ ना कुछ मैनुअल या सिस्टम की वजह से मिस्टेक की गई है। हाँ जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं?
सर उनकी कोई किसी तरीके की जिम्मेदारी है नहीं, उनके पास जाएंगे हम, वो कहते हैं कि हमारा यहाँ रहा नहीं आपका मकान, अब आपका कहीं और शिफ्ट हो गया है, दूसरे जगह जाओ, कह रहे कि आपको जहाँ से भी डिटेल चाहिए आप पुराने वाले पे जाके पता करो और उनसे थोड़ी सी मतलब बात कर लो कि आप पुराने बिल निकाल के चेक कर लो, हमारा नहीं आता बिल, 10 यूनिट 12 यूनिट से ऊपर नहीं है हमारा बिल, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनसे थोड़ी सी बहस करो, कह रहे हमारा ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा, तुम्हें जहाँ से जाके पता करना है कर लो, और कंप्लेन दोनों जगह डाल रखी है, ऑनलाइन भी डाल रखी है, ऑफलाइन भी डाल रखी है, और कंप्लेन भी हम ऑफिस में जाके काफ़ी बार करके आए हैं, उसके ऊपर बस पेनल्टी लगते जा रही है, ये बिल अभी 2 साल भर होगा नहीं, 2 लाख का पहुंच जाएगा, कौन भरेगा ये बिल? हाँ जी सर, मेरा तो कहना ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इस वाक्य से मैं अच्छे से वाकिफ था, इसलिए मैंने कोरोना काल में ही जब ये रीडर रीडिंग लेने नहीं आते थे और एवरेज बिल मेरा आ रहा था, मैंने तब इन्हें कॉल करके ऑनलाइन कंप्लेंट भी कराई कि भाई बिल मीटर रीडर को भेजो, आप एवरेज बिल मत भेजो, एवरेज बिल से हमारी एवरेज बिल से ऊपर खपत है, 20 यूनिट तो खपत नहीं है लेकिन आप जो एवरेज बिल भेज रहे हैं उससे ऊपर खपत है, अगर भविष्य में कभी मीटर रीडर आएगा और इस तरह की यूनिट लेगा तो हाँ वो एक ही महीने में मेरा 5 साल का बिल निकल जाएगा, फिर कैसे भरा जाएगा, कंप्लेंट भी है, उसका नंबर भी है मेरे पास में, वही मैंने की, उसके बावजूद भी इन्होंने किसी को नहीं भेजा और वही काम करते रहे जो ये करते हैं, वहाँ पे हम जेडारो से मैं खुद पर्सनली मिलने गया था, जेडारो ने बिल फेंक के मारा कि बिल ठीक नहीं होगा आप भरो, और ये भी बोला कि जहाँ जाना है जाओ, ऊपर भी कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आपको भरना ही पड़ेगा ये बिल। जेडारो बहुत ईमानदार थी, उसने सीधा बात बोल दिया कि इस नगरी के अंदर सारे मक्खी चूस बैठे हुए हैं जिनका कार्य सिर्फ एक ही है कि वो जनता को प्रताड़ित करे। अब सिंपल सी बात ये है, लॉजिकली इस चीज़ को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, दिल्ली में एक परिवार को 20 यूनिट पानी मुफ्त में मिलता है, एक बार में एक व्यक्ति 10 यूनिट या 12 यूनिट या इनफैक्ट 19 यूनिट भी इस्तेमाल करता है तो वो चीज़ मुफ्त में जाएगी, आपने एक एवरेज यूनिट निकाली, लेट सपोज वो 7 यूनिट है और आपके घर में पानी की खपत है 11 यूनिट की, तो आपने 7-7 यूनिट के 4 बार बिल भेज दिए, तो 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानी कि 16 यूनिट पानी आपका क्या हो गया, एक्सेस में इस्तेमाल हो गया। मीटर रीडिंग लेने वाला बंदा आया, उसने 16 जमा 11 यानी कि टोटल 27 यूनिट का पानी का बिल भेज दिया। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जनता को लूटने का। आप कुछ कहना चाहती हैं जी, कितने का बिल आया आपका? 48,000 की आया है, बताओ हम 3 लोग हैं, एक ही फ्लोर है हमारा, कहाँ से देंगे हम, खाएंगे क्या, बताओ आप, उधर गए हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा है, बोल रहा है हम नहीं निकाल के देंगे पुराना बिल। इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्कैम, जो मैं आपको कह रहा था इसको आपको समझना होगा कि किसी व्यक्ति के घर में अगर 5 यूनिट पानी की खपत हो रही है तो एवरेज बिल में सिर्फ 2 यूनिट भेजा जा रहा है और उस 3 यूनिट को एक्सीड किया जा रहा है, अंत में रीडर को तब भेजा जा रहा है जब 20 यूनिट से ऊपर बिलिंग पहुंच जाए और एक साथ ही हर चीज़ का पैसा लिया जा रहा है। अंततः हम एक ही शब्द के साथ, एक ही वाक्य के साथ इस वीडियो को विराम देंगे कि भूतों का संसार और वेलफेयर सरकार दोनों सिर्फ और सिर्फ कल्पना में मिलते हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैमरे के पीछे रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ।